हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 7 बज रहे हैं और फिलहाल अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए फाइनली कैलाश। लास्ट व्लॉग में हमने देखा होगा हम ओम पर्वत गए थे, तो आज हम जाएंगे कैलाश। तो फिलहाल रेडी हो गए, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है वहाँ पर, इसलिए मैंने तो देखो मैंने स्वेटर भी डाली है। सो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार नया एक और वीडियो में स्वागत है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों, अगर आपने एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है और उसके बाद दोस्तों आप चाहते हो कि यूट्यूब से कुछ पैसा कमाना है, तो दोस्तों आप बिल्कुल कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आजकल यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ आपको करना होता है। जैसे कि दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक बात कहना चाहता हूँ कि सौरभ जोशी ब्लॉग से एक महीने में 80 लाख कमा रहा है, तो आप भी क्यों ना कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप यूट्यूब पर जोरदार से आपको काम करना होता है। लेकिन दोस्तों, जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है ऑलरेडी यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, अगर उन लोगों की वीडियो आप देखते हो तो आपको पागल किया जाता है। क्योंकि दोस्तों, ये लोग सिर्फ बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि ये लोग कैसे यूट्यूबर बना है और यूट्यूब से कैसे पैसा कमा रहा है और कैसे नया बाइक खरीदा है, कैसे नया कार खरीदा है, कैसे ट्राईपॉड खरीदा है, कैसे लैपटॉप खरीदा है, इसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन एक नया चैनल कैसे ग्रो करना है, इसके ऊपर बात बिल्कुल नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक नया क्रिएटर्स हो और आप यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हो, तो दोस्तों आप गाधे की तरह बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की डेट में यूट्यूब पर काफी कंपटीशन है और दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना है तो यूट्यूब पर कड़ी से कड़ी आपको मेहनत करना होता है, उसके बाद दोस्तों आप एक यूट्यूबर बन सकता है। जैसे कि दोस्तों, अगर कुछ भी काम आप करना चाहते हो तो आपका साथ कोई ना कोई साथ देने के लिए होता है। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मेरा बात कुछ इस तरह होता है, कुछ घटिया टाइप की मेरा बात होता है। लेकिन दोस्तों, मीठी मीठी बात करने से कुछ नहीं होने वाला है आज की डेट में, क्योंकि जो मीठी मीठी बात करता है ये आपकी आंखों पर धूल डालता है और उसके बाद दोस्तों आपको उल्लू बनाता है और आपसे लूटता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों जो बात करना है वो मतलब डायरेक्टली बात करना है, इसलिए दोस्तों मेरा जो बात है थोड़ा गाठिया हो सकता है। दोस्तों, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर आप एक बच्चा पैदा करना चाहते हैं, इसलिए दोस्तों आपका साथ एक औरत होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप YouTube से पैसा कमाना चाहते हो तो आपका साथ ऑडियंस होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पास ऑडियंस नहीं होता है तो आप एक यूट्यूबर नहीं बन सकते हो। इसलिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप एक नया क्रिएटर से, तो आपको YouTube पर गौर से काम करना होता है, बहुत घटिया तरीके से आपको मेहनत करना होता है, क्योंकि आजकल YouTube पर काफ़ी कॉम्पिटिशन है। और अगर आप अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो तो दोस्तों आपको डेली से डेली एक एक वीडियो अपलोड करना होता है। और दोस्तों, जो वीडियो आप अपना चैनल पर अपलोड करते हो वो एक यूनिक कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद दोस्तों आपका चैनल पर आप ऑडियंस कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, जब तक आपका चैनल पर ऑडियंस कनेक्ट नहीं होता है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों, आप पैसा से बिल्कुल सब्सक्राइबर नहीं खरीदना है और 4000 घंटा वॉच टाइम पैसा से बिल्कुल नहीं खरीदना है। दोस्तों, अगर आप इस तरह गलत काम करते हो तो आपका जिंदगी, आपका लाइफ यहीं पर खत्म होता है। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर अगर आप लॉन्ग टाइम काम करना चाहते हो तो आपको जो सब्सक्राइबर मिलता है वो एक यूनिक सब्सक्राइबर होना चाहिए। तब भी दोस्तों, आप जो वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद ये ऑडियंस आपका वीडियो पसंद भी करता है और आपका वीडियो वॉच भी करता है। दोस्तों, मान के चलिए कि आपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर पैसा से खरीद लिया है, जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन आपने कंप्लीट किया है, उसके बाद दोस्तों आपका वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, तो आप 10 लाख क्या है, आपको 10 रुपया भी यूट्यूब से नहीं कमा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जो सब्सक्राइबर आप अपने चैनल पर एक्टिव करते हो, कनेक्ट करते हो, ये एक यूनिक सब्सक्राइबर होना चाहिए। और आपने जो 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए सोच रहा है, ये सोच आपका दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों, 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। आपने जो वीडियो अपलोड कर रखा है, इसी वीडियो के अंदर कोई ना कोई एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल वीडियो से आपका 4000 घंटा वॉच टाइम कंप्लीट होता है और साथ ही साथ 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना है तो आपको मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप किसी का बात नहीं सुनना है। सो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना है तो खुद के दिमाग से आप खुद वीडियो बनाइए और उसके बाद खुद के चैनल पर अपलोड कीजिए। दोस्तों, उल्टा पल्टा वीडियो अगर आप अपलोड करते हो तो आपका चैनल जिंदगी भर आप चैनल पर काम करते रहेंगे, लेकिन दोस्तों सौरभ जैसी जैसा एक यूट्यूबर आप नहीं बन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुद के दिमाग से वीडियो क्रिएट कीजिए और उसके बाद दोस्तों वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों, चैनल की जो सेटिंग है इस चैनल पर जरूर मिलता है और इस चैनल को आप जाके विजिट कर सकते हैं कि किस तरह एक नया चैनल पर सेटिंग करना है और कैसे एक सही तरीके से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। इस चैनल पर सारी वीडियो है,
आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों बाकी जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुद के दिमाग से आप वीडियो बनाइए और उसके बाद आप अपलोड कीजिए। दोस्तों आप ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है कि रातों रात आप आमिर बनना है, रातों रात आप यूट्यूब चैनल से पैसा कमाना चाहते हो, तो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो भी करना है आप खुद के दिमाग से और धीरे धीरे आपको काम करना होता है, क्योंकि दोस्तों एक नया चैनल ग्रो करने के लगभग आपको 6 मंथ तक लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 1 से 1.5 साल तक टाइम लग सकता है। तो दोस्तों अगर आप सच में यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मेरी तरह आप बिल्कुल काम कीजिए, उसके बाद आप एक यूट्यूबर बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो मैं ज़्यादा नहीं लंबा करना चाहता हूँ, दोस्तों मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।